बच्चों चांद बीबी का असल नाम चांद सुल्ताना था, लेकिन वो चांद बीबी के नाम से मशहूर थी। वो अहमदनगर के बादशाह की बेटी थी। अब से कोई 400 बरस पहले वो अहमदनगर में पैदा हुई थी। चांद बीबी बहुत ज़्यादा होशियार ज़हीन थी। जब वो छोटी सी थी तभी उन्होंने कई ज़बानें बोलना सीख ली थी। जैसा कि आप भी उर्दू जानते हैं, हिंदी जानते हैं और कोई ज़बान जानते होंगे, मराठी जानते होंगे, उसी तरह चांद बीबी ने छोटी सी उम्र में बहुत सारी ज़बानें बोलना सीख ली थी। और उन्हें मुताले का, किताबें पढ़ने का बहुत शौक़ था। वो शिकार भी बहुत खूब खेलती थी। अहमदनगर के पास बीजापुर नाम की रियासत है, तो चांद बीबी की शादी वहाँ के बादशाह अली आदिल शाह से हुई थी। बादशाह बहुत नेक थे, वो अपनी मलिका की बहुत इज्जत करते थे और वो लोग दोनों साथ में सैर के लिए जाते, कभी शिकार के लिए जाते, दरबार में बैठते तो मलिका भी साथ होती। सल्तनत के कामों में अली आदिल शाह चांद बीबी से मशवरा लिया करता था, क्योंकि चांद बीबी बहुत ज़्यादा ज़हीन थी। चांद बीबी आम लोगों के साथ उनकी अपनी ज़बान में बातें करती थी, जिसकी वजह से लोग बहुत खुश होते थे और चांद बीबी से बहुत मोहब्बत करते थे, उनकी इज्जत करते थे। चांद बीबी की शादी के तकरीबन 16 बरस के बाद उनके शौहर अली आदिल शाह का इंतकाल हो गया। चांद बीबी की कोई औलाद न थी कि जिसे तख्त पर बिठाया जाए और बादशाह बनाया जाए, इसलिए उन्होंने अपने भतीजे को तख्त पर बिठा दिया। उन्होंने अपने नन्हे बादशाह की सरपरस्ती की, उनकी रहनुमाई की और बड़ी खूबी के साथ, मेहनत के साथ हुकूमत का कामकाज संभाला। उन्होंने अपनी रियासत में बहुत सारे कुएं खुदवाएं, सड़कें बनवाईं, अलग अलग इमारतें बनवाईं। इस तरह उन्होंने रियासत की तरक्की के लिए, भलाई के लिए बहुत सारे काम किए। दिल्ली का बादशाह था अकबर बादशाह। तो बादशाह अकबर ये चाहते थे कि वो सारे मुल्क को अपनी सल्तनत में शामिल कर लें, और इसलिए उन्होंने क्या किया, अपने बेटे को फौज लेकर अहमदनगर पर हमला करने के लिए रवाना कर दिया। जब चांद बीबी को पता चला कि बादशाह का बेटा हमला करने आया है, तो चांद बीबी बीजापुर से अहमदनगर पहुंची और अपनी रियासत को बचाने के लिए अलग अलग तदबीरें करने लगी। उसने अहमदनगर के किले में खाने पीने का बहुत सारा सामान जमा कर लिया, ताकि वहाँ लोग भूखों ना मरे, क्योंकि अगर फौज ज़्यादा दिन उस किले को घेरे रखेगी, किले के अंदर अनाज ख़त्म हो जाएगा और लोग जो है भूखों मर जाएंगे। काफ़ी दिनों तक ये जंग जारी रही और अकबर की फ़ौज ने बारूद से किले की दीवार गिरा दी। चांद बीबी टूटी हुई दीवार के पास खड़ी होकर दुश्मन का मुकाबला करने लगी। दुश्मन की फौज हार मान ही जाती, लेकिन चांद बीबी के कुछ साथी दुश्मनों से जा मिले और उन्होंने चांद बीबी को कत्ल कर दिया। चांद बीबी अपने ही लोगों के हाथों मारी गई, लेकिन उसने सारी दुनिया को दिखा दिया कि वतन की मोहब्बत किसे कहते हैं। उसने ये साबित कर दिया कि एक औरत भी बहादुरी के जौहर दिखा सकती है, एक औरत भी बहादुर हो सकती है।